नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ दिग्गज अदाकारा पूनम ढिल्लो जी हैं, जो बताएंगी कि उनका दिल बेकरार क्यों है और ये बहुत लंबे समय से वो बता रही हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं एक नए शो के। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हमारा टाइटल इनकॉर्पोरेट किया और थैंक यू फॉर दैट। हमारा दिल बेकरार सबका क्यों होने वाला है 26 नवंबर से, ये हम आपको बताएंगे फिर। लेकिन आप तो कई सालों से पूछ रही हैं, मतलब लंबे समय से पूछ रही हैं दिल बेकरार क्यों है, जवाब मिला? नहीं, मैं मानती हूँ कि हमेशा रहना चाहिए, दे आपके दिल बहुत ही रिलैक्स हो जाए और बेकरार नहीं रहे तो आप अपनी जेस्ट फॉर लाइफ को खो देते हैं। So one always has to have कि वो excitement रहनी चाहिए life में, कुछ भी आप कर रहे हो, अलग अलग एज ग्रुप्स में, अलग अलग टाइम ऑफ लाइफ में, हमेशा वो एक बेकरारी रहनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल रहनी चाहिए। आप लोग तो सब पड़ोसी हो जिनका रीयूनियन हुआ इसमें, है ना? है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही ये बात कही कि हमारे सारे जो 80s के कोस्टार्स हम सब मिलके इसमें वापस आए हैं। राज बब्बर, पद्मिनी, यू नो, वी ऑल बीन पार्ट ऑफ, हमने सब ने साथ में काम किया है पहले भी बहुत साल फिल्मों में भी। पद्मिनी के साथ तो मैंने टेलीविजन सीरीज में भी काम किया है। सो यू नो, फॉर अस इट इज लाइक रीयूनियन, जैसा वर्ड आपने यूज किया सही है बिल्कुल। और उसके साथ अब नए काफी लोग भी जुड़ गए हमारे यंगर जनरेशन। So we had really a good time shooting for the film. बहुत सारे बहुत characters हैं इसमें। जी, जब मैं तो ज्यादातर ये होता था कि आप कभी भी डेट लेनी हो तो बोलते थे सबकी डेट है तभी हमारा, तो एक भी दिन आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वुड डिस्टर्ब द होल शूटिंग। सो वी वर लाइक 8-10 ऑफ अस ऑन द सेट एट एवरी गिवन टाइम। तो मुझे ना आप लोगों का घर ऐसे दिखता है कि जुहू में आप भी वहां पे रहते हो, पद्मिनी जी वहाँ बीच के पास रहती हैं, बब्बर साहब वहां रहते हैं, तो कितनी मुलाकात आप लोगों की आपस में होती है बिना काम के और क्या होती है इन जनरल? पद्मिनी के साथ तो बहुत होती है, राजी के साथ कम होती थी, अभी होपफुली वो थोड़ा सा अभी फिर से इतने सालों के बाद जो मिलना शुरू हुए हैं तो इसके बाद मैंने उनके साथ एक और फिल्म की है जो कम्प्लीट भी हो गई है इस सीरीज के बाद। आई थिंक इस पेयरिंग को देख के एक हमारे फिल्म मेकर जो पंजाब के हैं उन्होंने इंस्पायर हुआ और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक और लव स्टोरी ऑफ ओल्डर कपल बनाई है। तो आई थिंक हमारी मुलाकातें और होती जा रही हैं अब। और पद्मिनी जी के साथ तो ऑफकोर्स ये भी है, क्या बन रहा है तुम्हारे घर में, थोड़ा भेजते क्या बनाया, मैं आ रही हूँ चाय के लिए। तो हमारा रिश्ता तो बिल्कुल अलग है, मिलते जुलते खाते पीते रहते हैं आपस में।